सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज का ग्राम भरवाठिया मुस्तकहम बाढ़ की चपेट में है, जिसके कारण किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। ग्रामीणों के पास न तो खाने की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल से एक नाव की मांग की थी, जिसके लिए लेखपाल को 2000 रुपए भी दिए, लेकिन लेखपाल ने नाव उपलब्ध नहीं कराई। साथ ही किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने गाँव का निरीक्षण नहीं किया और न ही कोई मदद पहुँचाई। आपको बताओ कि आप लोग तक अभी तक सरकारी कोई मदद पहुंची कि नहीं? कोनो मदद नहीं। यहाँ की स्थानीय विधायक आई कुछ ही नहीं किए भैया, या पूर्व विधायक दिन का दिन और नहीं यहाँ पहला ग्राम सभा के या फतेहपुर ग्राम सभा के प्रधान या डुमरिया के गड्डू प्रधान, ये तीनों मिलके खाना वहाँ चौराहे पे अपना अपनी संस्था कर रहे हैं कि इन लोगों के घर में पानी भरी, बाकी गरीब जनता को किसी को नहीं देख रहे हैं। यहाँ का प्रशासन या लेखपाल महोदय या और महोदय अब तक ना फतेहपुर में आए ना डुमरिया में, कि अनेक घर मतलब डूबे हुए हैं, उसमें गांव में किसी का घर नहीं बचा हुआ कि जो डूबा ना हो पानी से, बेचारे खाने बगैर मिलते हैं। इसको मैं तत्काल बाबा जी से आदेश करवाना चाहता हूँ कि तुरंत तत्काल लेखपाल आए, बाबा जी स्वयं जाँच करें। आप लोग यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या आप लोगों ने अपनी आवाज यहाँ के विधायिका या जिला प्रशासन तक कहीं तक पहुँचाई? हाँ, विधायक के पास फोन किया, विधायक के प्रतिनिधि के पास फोन किया, उन लोग का कहना कि भाई हम लोग के पास घर के पास आकर बगल में पानी भरा हुआ है, अब क्या किया जा सकता है। हमने कहा कि नाव आय का व्यवस्था करवा दीजिए, पानी नहीं पीने के लिए, खाने के लिए नहीं, सब बह रहे। हम लोग मेहनत किए हैं उन लोगों के साथ, सबके साथ जान तोड़ मेहनत की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, आज आज नहीं सुन रहे तो कल क्या सुनेंगे वो।